मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और हम बात करने वाले हैं सेट्स के ऊपर जो ऑपरेशन इम्पोज होते हैं, जो ऑपरेशन हैं सेट्स पे एप्लीकेबल वो। अब इससे पहले मैंने दो वीडियो और बनाए हैं जिसमें मैंने पहले वाले पार्ट में बेसिक सेट्स की बात की है, उससे उसके टाइप्स डिस्कस किए हैं। दूसरे में मैंने सेट्स की सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट और इक्वलिटी ऑफ सेट्स, पावर सेट डिस्कस किया है। आप उन्हें भी ज़रूर देखें ताकि आपको इसे समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले सेट का एक ऑपरेशन है यूनियन। यूनियन कैसा ऑपरेशन है? तो यूनियन को पहले आप समझें कि डिनोट किससे करेंगे। यूनियन को यू से डिनोट करते हैं, यू से। यू से कैसे डिनोट करते हैं? तो देखिए, ये यू बना है, ये यू इस तरह से यूनियन। तो ए और बी दो सेट्स हैं, ए और बी दो सेट्स हैं और उनका यूनियन क्या होगा? तो ए यूनियन बी विल बी, ए यूनियन बी में वो सारे एक्स होंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। वो ए के एलिमेंट्स होंगे या फिर वो किसके एलिमेंट्स होंगे? बी के एलिमेंट्स होंगे। ये ए है और ये बी है, एक ध्यान से देखिए, ये ए है और ये बी है। ये हम वेन डायग्राम का यूज कर रहे हैं, वी ई एन एन, जॉन वेन के सम्मान में वेन डायग्राम। इसके अंदर एलिमेंट्स है, मान लीजिए ए के अंदर एलिमेंट्स है आपके पास 1 2 3, बी के अंदर एलिमेंट्स है आपके पास 2 3 4 5। तो ए यूनियन बी में क्या होंगे? सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। पर आपको एक खास बात मैंने जो बता रखी है वो समझें आप, कि सारे एलिमेंट्स तो आ जाएंगे पर जो एलिमेंट दो डबल होंगे वो एक ही बार गिने जाएंगे। तो जैसे हमने 1 2 3 इसमें ले लिया, तो 2 3 फिर से लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो इसके एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4 5। ये ए यूनियन बी में आ गया। तो ए यूनियन बी किस तरह का वेन डायग्राम से आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में, मैथमेटिकल लॉजिक में बहुत पूछे जाते हैं। तो ए यूनियन बी में ए और बी के सारे एलिमेंट्स होंगे तो वो कहलाएगा ए यूनियन बी। इसी तरीके से एक ऑपरेशन होता है, उसका नाम है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसा होता है? इंटरसेक्शन कैसा बनता है? इंटरसेक्शन सिंबल उल्टा होता है। ए इंटरसेक्शन बी में कौन होते हैं? ए इंटरसेक्शन बी में वो सारे एक्स होते हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। वो एक्स ए में भी होना और वो एक्स बी में भी होना। तो इसमें वो दोनों, वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो इसमें कॉमन होते हैं, उसको कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये किसको डिनोट करता है? ये वेन डायग्राम डिनोट करता है ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी का रिप्रेजेंटेशन है। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? ए इंटरसेक्शन बी का। अगर उसी केस में, इस केस में इसी ए और बी के बेसिस पे ए इंटरसेक्शन बी निकालने जाएंगे तो ए इंटरसेक्शन बी होगा इसका जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या है? 2 और 3। तो ये इसका इंटरसेक्शन बी हो गया। अगर ए एक सेट है जिसके अंदर 4 5 है, बी दूसरा सेट है जिसके अंदर 1 2 है, तो इसका इंटरसेक्शन बी क्या होगा? इसका इंटरसेक्शन बी होगा 5। क्या होगा? 5, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? 5 होगा। तो ये इंटरसेक्शन है। तीसरा ऑपरेशन है इस पे डिफरेंस का, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स ए माइनस बी से डिनोट करते हैं। ए माइनस बी है, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ए माइनस बी क्या होगा? तो ए माइनस बी इज अ सेट विच कंटेन्स एक्स सच दैट एक्स ए में तो होगा एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। ए में तो होगा पर किस में नहीं होगा? बी में नहीं होगा। एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी बट बिलोंग्स टू ए। जैसे ऊपर वाले केस में देखो, इस वाले केस से देखते हैं हम, इस वाले केस में ए माइनस बी क्या होगा? ए में होना चाहिए पर बी में नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा? क्या 1 आ सकता है? हाँ आ सकता है। क्यों? क्योंकि 1 ए में है पर 1 बी में नहीं है। 2 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि 2 ए में है पर और बी में भी है, इसलिए नहीं आ सकता। 3 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि 3 ए में भी है और 3 बी में भी है। बट बी माइनस ए निकालना चाहेगा कोई, तो बी माइनस ए क्या होगा? बी में होगा पर ए में नहीं होगा। तो बी में ऐसे कौन कौन से हैं जो ए में नहीं है? तो बी में एक तो 4 है जो ए में नहीं है, दूसरा कौन है? 5 है जो
वन के बारे में आप मत सोचिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये यूजुअल सब्ट्रैक्शन जैसा नहीं है कि बी माइनस ए में माइनस वन लिख दू, नहीं। बी माइनस ए का मतलब है आप डेफिनेशन से चले, ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ बी, बी के वो सारे एलिमेंट्स जो बी में है पर ए में नहीं है, तो बी माइनस ए होगा। ए माइनस बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, जो ए में है पर बी में नहीं है, वो किस में होगा? ए माइनस बी में होगा। अब अगर आप ए माइनस फाइ करके देखेंगे कि ए में से मैंने फाइ माइनस कर दिया, ए में से मैंने फाइ माइनस किया, मतलब मुझे कुछ माइनस ही नहीं करना था, ए ही आएगा इसका रिजल्ट। अगर आपके पास ऐसा हो जाए फाइ माइनस ए, तब बताओ क्या होगा? ऑल एलिमेंट्स ऑफ फाइ, फाइ के वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, तो फाइ में कुछ है ही नहीं, तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा? फाइ। इसका रिजल्ट क्या होगा? फाइ होगा। ए माइनस ए क्या होगा? ए माइनस ए क्या होगा? तो ए माइनस ए जीरो नहीं होगा इस केस में, ए माइनस ए क्या होगा? फाइ होगा। ए माइनस ए फाइ हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। देखो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि सफाई करने को दिया कुछ आपको, तो जैसे आपको ये इंदौर है, तो इंदौर माइनस आपको सफाई करने को दी कि आप सफाई करना, तो आपको यहां बोला इंदौर माइनस, आपने कुछ साफ तो किया ही नहीं, फाइ का मतलब यू डिड नथिंग, तो आपको इंदौर की इंदौर वैसे ही मिल जाएगा जैसा था पहले। अब आपको दूसरे केस में देखो, आप इंदौर की साफ करने को कहा था, माइनस मीन्स सफाई क्लीनिंग, और आपने पूरा इंदौर साफ कर दिया, तो आउटकम कितना हो गया? तो सब साफ सूफ हो गया आपका, एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। अगर आपको बोला फाइ का मतलब है कि कुछ काम ही नहीं बोला, कुछ काम ही नहीं बोला, यू आर सेड नथिंग टू डू, लेकिन आपने क्या जबरदस्ती साफ करते रह गए, कुछ भी करते रह गए, तो आउटकम क्या होगा उसका? फाइ होगा। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो ये देखे आपने कि डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे होगा, डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालना भी सीखा आपने, यूनियन सीखा, इंटरसेक्शन सीखा। डिफरेंस का वेन डायग्राम मैं आपसे और शेयर करता हूं। डिफरेंस का वेन डायग्राम ऐसा होता है, ये ए के एलिमेंट्स है, ये बी के एलिमेंट्स है, ए माइनस बी वाला पोर्शन ये होगा, ये कौन सा पोर्शन होगा? ए माइनस बी का पोर्शन है, ए माइनस बी। और अगर आपको बी माइनस ए निकालना हो, ये कौन सा पोर्शन है मैं लिख देता हूं आपको, ये है ए माइनस बी। जो दूसरा वाला पोर्शन है ये बी माइनस ए का है, ये थोड़ा रेडिश है, जिसको रेड से शेड किया मैंने, ये बी माइनस ए है। ये कौन है? ये है बी माइनस ए, वो ए माइनस बी है, ये बी माइनस ए है, और इसमें ये वाला जो पोर्शन है माइनस हो जाता है। कौन सा वाला पोर्शन? ये बीच वाला पोर्शन माइनस हो जाता है। इसलिए ऐसा भी कहते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी में कितने होंगे, तो आप इस केस से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी क्या होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी ऐसा नहीं होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अभी इससे पहले वाले केस में आपने देखे ए में कितने एलिमेंट्स थे, ए में तीन एलिमेंट्स थे 1 2 3, बी में कितने एलिमेंट्स थे 2 3 4 5, पर ए माइनस बी में कितने एलिमेंट है, एक माइनस बी में एक एलिमेंट है, बी माइनस ए में कितने एलिमेंट है, दो है। तो ये क्या हुआ है बेसिकली, आप ये देखो कि इस वाले में से मैंने किसको हटा दिया है, ए में से किसको हटाया है, ए में से जो बीच का पोर्शन है, तो इसलिए एन ऑफ ए माइनस बी होता है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए माइनस बी इज व्हाट? एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी। जैसे इन दोनों के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है, इन दोनों के इंटरसेक्शन में दो एलिमेंट है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में दो एलिमेंट है, तो ए में से ए माइनस बी में कितने होंगे, तो ए माइनस बी में एक होगा। क्यों? तीन, तीन में से ये दो चले गए, कौन से चले गए, दो 2 3 वाले। अब बी माइनस ए में देखो, तो बी में कितने एलिमेंट्स हैं, चार, और उनके इंटरसेक्शन में दो, तो चार में से दो गए तो दो बचे। तो ये याद रखिए आप कि ए माइनस एन ऑफ ए माइनस बी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और बहुत बार बार यूज होता है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि एन ऑफ ए माइनस बी ये होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। जैसा मैंने लिखा उसको ध्यान रखिएगा, और हम आगे की बातें डिस्कस करते हैं। इनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? तो पहली प्रॉपर्टी है, आपने देखी होगी जब आप छोटे थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन की क्या होगी, ए यूनियन बी बराबर
बी यूनियन ए। इंटरसेक्शन की क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। क्लियर, ए और बी को क्लब कर दो या बी और ए को क्लब कर दो, समझ गए होंगे आप, ए और बी में कॉमन लो या बी और ए में कॉमन लो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी भी यहां ट्रू है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर इंटरसेक्शन में देखना है तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव, अगर जैसे आपने वहां पे देखा था ए इंटू बी प्लस सी क्या होता है आपका, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, इसी तरीके से यहां भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, यूनियन इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए कैसे होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसी तरीके से यहां अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव। ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये वाली कौन सी है, ये है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये वाली डिस्ट्रीब्यूटिव है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब एक प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, लेकिन उस आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के लिए आपको पहले यूनिवर्सल सेट को जानना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट कौन होता है। तो एक यूनिवर्सल सेट है, वो सेट ऐसा होता है जो सबका सुपर सेट होता है, जिस जो सबसे बड़ा सेट होता है, जिसके सारे सेट्स सबसेट होते हैं। तो द बिगेस्ट सेट ऑफ ऑल द सेट्स, ऑल द सेट्स इन अ डिफाइंड कंटेक्स्ट, कोई आपको कंटेक्स्ट हो जिस विषय पे बात चल रही हो उस पे, जैसे मान लीजिए कि आपके ए इज अ सेट ऑफ क्लास 11 स्टूडेंट, बी इज अ सेट ऑफ क्लास 12 स्टूडेंट, सी इज अ सेट ऑफ क्लास 8 स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है किसकी बात चल रही है, सॉरी ए इज अ सेट ऑफ क्लास 11 स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल, बी इज अ सेट ऑफ क्लास 12 ऑफ पर्टिकुलर स्कूल, सी इज अ सेट ऑफ क्लास 8 ऑफ पर्टिकुलर स्कूल। तो जो पर्टिकुलर स्कूल है वो पूरा स्कूल क्या बन जाएगा आपका, वो पूरा स्कूल आपका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सब बिगेस्ट सेट, उसके सारे जितने भी हम डिस्कशन करेंगे वो उसके सारे सबसेट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं बात कर रहा हूं ए बराबर है 1 2 3, बी बराबर है 2 4 6, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या बन सकता है, इसका यूनिवर्सल सेट, और इसको यूनिवर्सल सेट को इससे डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं, पर इसके ऊपर दो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं, और आपने वो जो यूनियन वाला ऑपरेशन है उसमें ऐसी दो हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होती है, इसमें होती है, इसमें दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक इसका यूनिवर्सल बन गया, ऐसा बन गया कि जिसके अंदर ये दोनों आ गए, कम भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, लेकिन ये आपको चिंता की जरूरत नहीं है, ये इट विल बी डिफाइंड, इट विल बी प्री डिफाइंड, ये पहले से ही आपको दिया जाएगा, और आप ये मान के चलेंगे कि जो भी हम सेट लेंगे वो सारे क्या होंगे, इसके सबसेट्स ही होंगे, सारे क्या होंगे, इसके सबसेट्स होंगे। तो अगर मैं ए का यूनियन यूनिवर्सल के साथ निकालूं, ए का यूनियन ए और यूनिवर्सल को मैं क्लब करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, आपको समझ सकते हो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ए को जब यूनिवर्सल में मिला दूंगा तो क्या बनेगा, यूनिवर्सल बनेगा। ए और यूनिवर्सल में कॉमन क्या होगा, ए और यूनिवर्सल में कॉमन कौन होगा, ए होगा, ए और यूनिवर्सल में कॉमन कौन होगा, ए होगा।
तो ये यूनिवर्सल सेट था। यूनिवर्सल सेट में के आगे अगर हम जाएं तो एक और चीज आती है, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। वो मैं यहां लिख देता हूं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को ए डैश या ए बार से डिनोट करते हैं। कौन होता है ए बार? ए बार या ए डैश होता है यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल में से अगर ए को माइनस कर दें तो वो कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। जैसे इसको वेन डायग्राम से समझते हैं, ये हमारा स्टडी ऑफ डिस्कोर्स, जो हमारी बातचीत करने का ये सेट है यूनिवर्सल सेट। ए अगर ये है तो इसका बाहर का जो पोर्शन होगा वो कौन होगा? ए बार होगा। बाहर का पोर्शन ए बार होगा। जैसे इस केस में देखिए आप, ए 1 2 3 है तो इसका ए बार कौन होगा? इसका 1 2 3 हटा दो आप, 4 5 6 7 अप टू कहां तक? 10 तक, ये इसका ए बार हो गया। अब बी बार देखना है तो आपको बी बार क्या होगा? बी बार होगा आपका 2 4 6 को हटा दो, 1 3 5 7 8 9 10, ये सारे एलिमेंट्स किसके अंदर आ गए? बी बार के। अगर आप समझ सकते हो, इसका भी अगर ए बार का भी बार निकाल दें, ए बार का भी अगर बार निकाल दें, तो ए बार का बार जब निकलेगा, जब ये सारे इसमें से हट जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। तब हमें क्या मिलेगा? ए मिलेगा। तो ए बार बार इज व्हाट? ए बार का भी बार अगर कभी कर देगा तो क्या मिलेगा हमें? ए मिलेगा, ए ए मिलेगा। अब अगर हम फाई का बार ले लें, फाई क्या होता है? फाई का बार, तो फाई का बार क्या होगा? यूनिवर्सल में से किसको माइनस कर दें? फाई को माइनस कर दें। तो यूनिवर्सल में से फाई को माइनस करेंगे तो आपको आउटकम मालूम है, क्या मिलेगा आपको यूनिवर्सल? कैसे? आपको सफाई किसकी करना थी? पूरे यूनिवर्स की। आपने कुछ किया नहीं तो यूनिवर्स वैसा की वैसा ही रहेगा। अगर यूनिवर्सल का बार करने को बोलेंगे तो आप डेफिनेशन लगाओ, यूनिवर्सल का बार तो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल। आपको क्या सफाई करना थी? पूरे यूनिवर्स की। आपने पूरे यूनिवर्स की कर दी तो क्या हो गया? सब नीट एंड क्लीन। फाय को हम दो तरीके से यूज करते हैं, नीट एंड क्लीन भी कहते हैं कि इसके अंदर कुछ नहीं है, और जब बोलते हैं कि काम क्या किया आपने, तो फाय का मतलब है आपने, यू डिड नथिंग, आपने कोई काम नहीं किया। तो ये एक खास थी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अभी हमने पिछले वीडियो में दो ऑपरेशन, ये जो दो ऑपरेशंस के केस थे यूनियन के, इंटरसेक्शन के, वो शायद डिस्कस नहीं किए, जो इसमें हम डिस्कस करें। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट आपने समझा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, तो वो यूनियन और इंटरसेक्शन में खास बात है, वो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, उसमें दो एलिमेंट्स लगते हैं, लेकिन इसको यूनियरी ऑपरेशन बोलते हैं, यूनियरी, यूनियरी ऑपरेशन। क्यों क्यों यूनियरी ऑपरेशन बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके लिए दो नहीं लगते हैं, इसके लिए एक ही होता है, तो यूनियरी ऑपरेशन है। और हम प्रॉपर्टी में आगे की बात डिस्कस कर लेते हैं कि आगे का डिस्कशन क्या कहता है। तो आगे में आप एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी, जैसे आपने वहां पे पढ़ा होगा 2 + 0 इज व्हाट? 2। तो आप कहते हो कि 0 क्या है? आइडेंटिटी है। ऐसे यहां पे भी होती है, ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू क्या होता है? ए होता है, इज इक्वल टू फाइव यूनियन ए होता है। ये एक अगली प्रॉपर्टी है। और दूसरी प्रॉपर्टी है यहां पे इंटरसेक्शन की, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इज ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए। यूनिवर्सल और ए में क्या कॉमन है? ए कॉमन है। तो ये जो इंटरसेक्शन का आइडेंटिटी है, और ये किसका आइडेंटिटी है? फाई कौन है? आइडेंटिटी ऑफ, आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। ये किसका आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी ऑफ इंटरसेक्शन। अब इन सबके बाद एक और प्रॉपर्टी आती है, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? ए यूनियन ए डैश, ए और ए बार को अगर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? पूरा यूनिवर्सल बन जाए, यूनिवर्स बन जाएगा। और इधर दूसरे उसमें देखें आप,
कि ए इंटरसेक्शन ए बार, ए और ए बार में क्या कॉमन, तो ए और ए बार में कुछ भी कॉमन नहीं। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है, इनके प्रूफ्स भी है। अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो मुझे लिख भेजिए, मैं आपकी पूरी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा और ज़रूर से शेयर करिएगा, उनका भी नॉलेज बढ़ाइए, आप अपना भी नॉलेज बढ़ाइए। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, इसमें कोई हर्ज या परेशानी नहीं है। देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग दिस। विश यू ऑल द बेस्ट।